अश्लील वीडियो मामले में फंसे जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं। वहीं रेवन्ना आज एसआईटी के सामने पेश होंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलपत का कहना है कि प्रज्वल रेवन्ना का भारत से बाहर जाने का कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रायोजित था। 26 मई को मतदान के बाद उन्हें तुरंत राजनयिक पासपोर्ट के साथ बाहर भेज दिया गया। निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना के आने से पहले बेंगलुरु में सीआईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि रेवन्ना बेंगलुरु वापस लौट रहे हैं। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पहले ही जारी हो चुका है, इसलिए उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 33 वर्षीय प्रज्वल पिछले 34 दिनों से किसी गुमनाम स्थान पर थे और यहाँ उन्हें जांच एजेंसियां हर तरफ तलाश रही थी। एक अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है और इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। गुरुवार को रेवन्ना की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी के अधिकारियों ने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैठक भी की है। गौरतलब है कि सेक्स स्कैंडल के उनके वीडियो सामने आते ही प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को ही देश छोड़कर जर्मनी फरार हो गए थे। प्रज्वल ने हाल ही में वीडियो संदेश में बताया था कि वह 31 मई को लुम्तासा एयरलाइंस के विमान से बेंगलुरु लौट रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।